Now, could this also jump onto what's happening in cricket right now? Because we are learning that the Taliban earlier has met with the Afghan cricketer. This is Asghar Afghan just today after visiting the Afghanistan cricket board. Those images up on your screens. So is a Taliban cricket takeover on the cards? Republic has also spoken to the former Indian cricketer and the current BJP MP, that is Gautam Gambhir, over the future of the Afghan cricket under the Taliban. हैं लेकिन जिस तरीके से एक क्रिकेट को लेकर सवाल करना चाहता हूं अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया और तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी कब्जा कर लिया है किस तरीके से देखते हैं अब वहां पर क्रिकेट का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है लेकिन मुझे लगता था कि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम थी जो सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी इतने छोटे समय में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम क्रिकेट को क्योंकि इतना टैलेंट है अफगानिस्तान में उसको खराब मत होने दीजिए क्योंकि आगे आने वाले समय में अफगानिस्तान एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो शायद किसी भी देश को हरा सकती है उनका भविष्य बहुत कई देशों से बहुत ज़्यादा बेहतर है तो इसलिए मेरा यही मानना है कि क्रिकेट अलग चीज़ है स्पोर्ट्स अलग चीज़ है तो उसको उसी तरीके से रहने दीजिए और वहाँ के बच्चों को प्रमोट करिए अफगानिस्तान की टीम ने एक दो बार इतना बढ़िया प्रदर्शन किया कि भारत की टीम को भी घुटने टेकने पड़ गए थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम कर रहे थे आपको लगता है कि तालिबान के आने के बाद में तालिबान क्रिकेट को प्रमोट करेगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम पुराने वाले तालिबान नहीं रहे देखिए मैं तालिबान के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा नहीं वो उनका नज़रिया है वो क्या करना चाहते हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूँ कि जितना टैलेंट अफगानिस्तान में है वो उस टैलेंट को ख़राब नहीं होने देंगे क्योंकि शायद उतना टैलेंट अगर किसी और देश में होता तो वही अफगानिस्तान के खिलाड़ी किसी भी देश के लिए खेल रहे होते आप इमेजिन करिए राशिद खान मुजीब नबी ये शायद दुनिया की किसी भी टीम में अपनी जगह बना सकते हैं तो इस टैलेंट को कभी खराब मत होने देना क्योंकि ये टैलेंट बहुत मुश्किल से आता है